प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र की जो पांचवी इकाई है उसका अंतिम पाठ पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हम वर्णिक छंद क्या होते हैं और वे वर्णिक छंद जो कि पाठ्यक्रम में शामिल है उनका अध्ययन करना प्रारंभ कर चुके हैं। पिछली कक्षा में हमने द्रुत, विलंबित और मालिनी छंद के बारे में पढ़ा। आज हम इस कक्षा में सवैया व कवित छंद की बात करेंगे। सवैया छंद व कवित छंद, देखिए सवैया छंद और कवित छंद रीतिकाल के प्रमुख छंद रहे हैं। रीतिकाल में अधिकांश रचनाएं कवित व सवैया छंद में हुई है। रीतिकाल का प्रमुख छंद सवैया व कवित माना जाता है। सवैया छंद के लिए भक्तिकाल के कृष्ण भक्त कवि रसखान बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं और कवित छंद के बारे में निराला जी ने कहा है कि कवित राष्ट्रीय छंद है। राष्ट्रीय छंद की संज्ञा सूर्यकांत त्रिपाठा निराला ने कवित छंद को दी और ऐसा माना जाता है कि किसी कवि के कवित्व की पहचान कवित छंद से हुआ करती थी। हालांकि आधुनिक काल में ये मिथक टूट चुका है। आधुनिक काल में निराला जी के मुक्त छंद या कैंचुआ छंद या रबर छंद के प्रयोग के पश्चात ये मिथक टूट गया कि कविता में छंद होना आवश्यक है। कविता में छंद की बजाय लय होना आवश्यक होता है। कविता का प्राण तत्व लय होता है। तो चलिए हम रीतिकालीन प्रसिद्ध छंद सवैया व कवित का अध्ययन करते हैं। देखिए सवैया छंद की बात करते हैं। सवैया क्या है? सवैया वह वर्णिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में कम से कम 22 और अधिक से अधिक 26 वर्ण हो। 22 से कम वर्ण और 26 से अधिक वर्ण का छंद सवैया नहीं होता। सवैया छंद समवर्णिक भी होता है एवं विषमवर्णिक भी होता है। अर्थात कुछ सवैये ऐसे होते हैं जिनमें प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या समान होती है। एक सवैया उपजाति सवैया जिसमें दो चरणों में वर्ण एक जैसे होते हैं, फिर दो चरणों में वर्ण एक जैसे होते हैं, लेकिन चारों चरणों में वर्ण समान नहीं होते। सवैया छंद के यदि हम भेद की बात करें तो सवैया के 11 भेद माने गए हैं। हम कुछ प्रमुख भेद पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मदिरा सवैया की। देखिए मदिरा सवैया की यदि हम बात करें तो प्रत्येक चरण में 22 वर्ण होंगे, है ना, और उन 22 वर्णों में 7 भगण होंगे और एक गुरु होगा। देखिए भगण छंद हम पढ़ चुके हैं कि गुरु लघु लघु भगण कहलाता है, यानी आदि गुरु भगण कहलाता है, भानस। और यदि किसी पंक्ति में हम 22 वर्ण हों और तीन तीन वर्णों का जोड़ा बनाकर गण बनाएं तो 7 भगण और एक गुरु हो तो वो मदिरा सवैया कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मदिरा सवैया का उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक प्रसिद्ध सवैये की पहली पंक्ति पढ़ रहा हूँ, एक चरण पढ़ रहा हूँ। प्रसिद्ध कवि रीतिकाल के केशव दास जी, जिनका महाकाव्य रामचंद्रिका जो है उसमें एक सवैया है, सिंधु तर्यो उनको वनरा तुम पे धनुरेख गई न तरी, उन वारिद बांध के हाट करी। सिंधु तर्यो उनको वनरा तुम पे धनुरेख गई न तरी, ये जो पंक्ति है इसको यदि हम इसमें वर्ण गिने तो कुल वर्ण आपको
21 वर्ण मिलेंगे। एक हलंत है, तरियों में र जो है ये हलंत है, तो हलंत वर्ण को न गिना जाता है न इसकी मात्रा का निर्धारण होता है। यदि हम गण बनाएं तो सिंधु और त, ये तीन वर्ण से एक गण बन जाएगा। गुरु लघु लघु है तो ये भगण है। उसके बाद में र को नहीं गिनेंगे, र हलंत होता है। फिर यो ओ न, ये भगण हो गया। को तनु, को वन, ये भगण हो गया। रा तुम, ये भगण हो गया। पे धनु भगण, रे ख ग भगण, ई न त भगण, और अंत में री गुरु। तो इस तरह से सात भगण और एक गुरु होने के कारण ये मदिरा सवैया माना जाता है। सिंधु तरियोन कोवन रा तुम पे धनुरेख गई न तरी। ये जो संवाद है ये अंगद और रावण के बीच का है, जिसमें रावण को अंगद कहते हैं कि भई उनके जो बंदर हैं हनुमान जी जो थे वो समुद्र को लांग कर यहाँ आ गए और तुमसे धनुष की रेखा पार नहीं हुई है ना, और उन्होंने समुद्र बांध दिया। तो उनकी महिमा यानी श्री राम की महिमा बता रहे हैं वो, और उनके सैनिकों की हनुमान की महिमा बता रहे हैं कि उन्होंने तुमने उनकी पूंछ जलाने की कोशिश की लेकिन वो पूंछ जली न जली, लंक जराए जरी, अंत में तुम्हारी पूरी लंका ही जल गई। तो ये मदिरा सवैया है। दूसरा सवैये का भेद देखिए, मतगयंद, मतगयंद, इसका अन्य नाम मालती या इंदव सवैया भी होता है। इसके प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं, सात भगण और दो गुरु। देखिए सात भगण और एक गुरु, ये मदिरा सवैया की विशेषता है। कुल 22 वर्ण हो गए प्रत्येक चरण में। भगण यानी तीन वर्ण और सात भगण यानी 21 और एक गुरु यानी 22। और मतगयंद में 23 वर्ण हैं, सात भगण और दो गुरु हैं। इसका एक उदाहरण देखें, जैसे ये रसखान का सवैया है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर गावे, ताही अहीर की छोहरिया छछियावर नाच पे नाच नचावे। ये बहुत ही प्रसिद्ध सवैया है। इसकी एक पंक्ति हम देखें, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर गावे। तो इसमें यदि हम कुल गिनेंगे, जब गिनेंगे तो 23 वर्ण आएंगे, और गावे में गा और वे ये गुरु गुरु है। निरंतर तक कुल सात भगण हो जाएंगे और अंत में गावे जो है गुरु गुरु है। इसी तरीके से भक्ति काल के कवि हुए नरोत्तम दास, जिनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है सुदामा चरित, जिसमें श्री कृष्ण से जब सुदामा मिलने जाते हैं और उनकी दुर्दशा देखकर श्री कृष्ण के भावों को नरोत्तम दास ने सवैया छंद में बांधा, मतगयंद मालतिया इंदव सवैया में। देख बिहाल बिवायन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए ते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल से पग धोए। ये बहुत ही प्रसिद्ध सवैया है इसकी। ये जो एक पंक्ति है यहाँ पर लिख रखी है, देख बिहाल बिवायन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। इसमें यदि हम निर्धारण करेंगे तो जो ये अंत में जो जोए ये दो गुरु हो जाएंगे, और आगे जो 21 वर्ण हैं इसमें सात भगण मिलेंगे। आप इनमें मात्राएं लगा के देखना। इसी तरीके से ये रसखान का सवैया है, या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारो। इसमें भी मतगयंद मालतिया इंदव सवैया है। आप वर्णों का गणों का निर्धारण करके इसको आप स्वयं देखना। उसके बाद में है किरीट सवैया। किरीट सवैया में कुल प्रत्येक चरण में 24 वर्ण होते हैं और सारे भगण होते हैं, 8 भगण होते हैं।
है ना, आठ बगण यानी 24 वर्ण। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव की ग्वारिन। यदि इस पंक्ति में, इस सवैये में, रसखान के सवैये में यदि हम गणों का निर्धारण करें तो आठ गण मिलेंगे, 24 वर्ण मिलेंगे और सारे के सारे भगण होंगे। तो ये निर्धारण हमें करना है। उसके बाद में देखिए एक सवैया हम और देख रहे हैं, सुमुखी सवैया। तो सुमुखी सवैया जो है इसके प्रत्येक चरण में तेईस वर्ण होते हैं, लेकिन यहाँ हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले मतगैन सवैया जो था उसमें भी 23 वर्ण थे, सात बगण और दो गुरु थे। यहाँ सात जगण और एक लघु गुरु है। उदाहरण लिख रखा है, हिय वनमाल रसाल धरे सिर मोर किरीट महालसिबो। श्री कृष्ण की रूपरेखा का वर्णन किया गया है, हृदय में गुंज के फूलों की माला और सिर पर मोर मुकुट धारण किए हुए श्री कृष्ण महालसीबो अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। इसमें यदि हम गिनें तो प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होंगे और सात जगण होंगे, अंत में एक लघु गुरु लसीबो। सीबो में देखें हम तो सी छोटा है और ब में ओ की मात्रा है, सी में छोटी की मात्रा, इसलिए लघु गुरु है। और महान तक यदि हम गिनें तो ये सारे के सारे जगन आएंगे, ज भान एक दो एक। अब अंतिम बात करते हैं हम कवित की। देखिए कवित छंद में कविता करना बहुत कठिन हुआ करता था और किसी कवि के कवित्व की, महान कवित्व की निशानी कवित छंद माना जाता था। निरालान जी ने इसे राष्ट्रीय छंद की संज्ञा दी है। कवित छंद जो होता है ये समवर्णिक होता है, प्रत्येक चरण में वर्ण समान होते हैं, लेकिन इसमें गण निश्चित नहीं होते। अभी तक हमने जितने भी छंद पढ़े हैं उनमें वर्णों के साथ साथ गण भी निश्चित हैं। जिन छंदों में वर्णों के साथ गण निश्चित होते हैं वे गणबद्ध छंद होते हैं, लेकिन चूंकि कवित में गण निश्चित नहीं होते इसलिए ये गणबद्ध नहीं है, ये मुक्तक छंद है। जिसमें गण निश्चित होते हैं वही गणबद्ध होता है। इसके अलावा इसमें 26 से अधिक वर्ण हैं तो यह जो है दंडक कोटि का छंद माना जाता है। 31 वर्ण होते हैं कवित में। अब 31 वर्ण के कवित दो प्रकार के होते हैं। यदि किसी कवित में 16 और 15 पर यति हो तो वो कवित घनाक्षरी या मनहर छंद कहलाता है, कवित मनहर। और यदि 8 8 8 और 7 पर विराम हो तो वो कवित मनहरण कहलाता है। जैसे कवि देव का, ऋतिकाल के प्रसिद्ध कवि देव का जो ये कवित है, डार द्रुम पल ना बिछोड़ा नव पल्लव के सुमन झगुला सोहे तन छवि भारी दे। बसंत ऋतु का वर्णन है जिसमें बसंत ऋतु को, ऋतु का मानवीकरण करते हुए उसे शिशु सदृश बताया गया है कि एक छोटा बच्चा, बच्चे के रूप में जब बसंत आता है तो किस प्रकार से प्रकृति उसका माँ की तरह पालन पोषण करती है। तो इसमें यदि हम देखें डार द्रुम पल्लना बिछोड़ा नव पल्लव के, इनमें वर्णों को गिने तो 16 वर्ण होंगे। और सुमन जगुला सोहे तन छवि भारी दे, इनमें 15 वर्ण होंगे। तो 16 और 15 पर यति है यानी 16 तक पूरी पंक्ति का वाचन होता है, उसके बाद में 15 वर्णों का वाचन होगा। डार द्रुम पल्लना बिछोड़ा नव पल्लव के सुमन जगुला सोहे तन छवि भारी दे। इसके अलावा दूसरा एक उदाहरण है, देखिए सुनिए विटप प्रभु पुहुप तिहारे हम राखियो हमें तो शोभा रावरी बड़ाई है। यहाँ प्रभु को कहा गया कि आप वृक्ष हैं और हम आपके फूल हैं, आप हमें यदि, आप हमारी यदि रक्षा करते हैं तो आपकी शोभा होगी, आपकी प्रशंसा होगी, आपकी बड़ाई होगी। तो यहाँ पर यदि हम गिने सुनिए विटप प्रभु तक 8 वर्ण हैं, पुहुप तियारे हम यहाँ पे 8 हैं, राखियो हमें तो शोभा यहाँ पर 8 वर्ण है और रावरी बड़ाई है इसमें 7 वर्ण। तो इस तरीके से 8 8 8 और 7 पर यति का जो कवित होता है वह कवित मनहरण कहलाता है। इसके अतिरिक्त दो कवित और माने गए हैं 32 और 33 वर्ण के। 32 वर्ण का कवित जिसमें 16 और 16 पर यति हो
वह रूप गणाक्षरी होता है, और 33 वर्ण जिसमें हैं और 16 और 17 प्रयति हो वह देव गणाक्षरी कहलाता है। तो ये आपके आज का लेसन हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, हमने एक पूरी यूनिट का अध्ययन 5वीं यूनिट का कर लिया है, और आपको मैं कुछ प्रश्न लिखवा रहा हूँ असाइनमेंट के लिए, पूरी यूनिट से संबंधित है। आप सबसे पहला प्रश्न लिखेंगे, काव्य हेतु किसे कहते हैं, काव्य हेतु के भेद लिखिए एवं प्रतिभा की विशेषता बताइए। एक तो प्रश्न आपका ये हुआ। दूसरा प्रश्न लिखिए, काव्य प्रयोजन से क्या तात्पर्य है, मम्मट द्वारा बताए गए काव्य प्रयोजन समझाइए। उसके पश्चात आप लिखिए तीसरा प्रश्न, आप तीसरे प्रश्न में लिखिए, छंद किसे कहते हैं, छंद के विभिन्न भेदों का उल्लेख कीजिए। चौथा प्रश्न लिखिए, दोहा, चौपाई, सोरठा, छंद, विशेषताएं लिखिए एवं उदाहरण दीजिए। दोहा और सोरठा छंद में अंतर लिखिए। गीतिका और हरिगीतिका छंद की विशेषता बताते हुए उदाहरण दीजिए। रोला छंद की विशेषताएं बताइए व उदाहरण लिखिए। वर्णिक छंद किसे कहते हैं, द्रुत विलंबित व मालिनी छंद में अंतर लिखिए। और अंतिम प्रश्न है, अंतिम दो प्रश्न हैं, सवैया छंद की विशेषताएं लिखते हुए इनके विभिन्न भेदों को उदाहरण सहित लिखिए। अंतिम प्रश्न, कवित्त छंद की विशेषताएं लिखते हुए उदाहरण दीजिए। तो ये इस पूरी यूनिट से संबंधित असाइनमेंट है जो आपको अपनी कॉपी में करके और मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भेजने हैं। आप विद्यार्थी इनको पढ़ेंगे और फिर अपनी उत्तर अपनी नोटबुक में इन प्रश्नों के सुंदर उत्तर लिखकर मुझे व्हाट्सएप से प्रेषित करेंगे। शुक्रिया।